हेलो फ्रेंड मैं अमित आप देख रहे हैं ईजी आयुर्वेदा और आज हम लोग पढ़ने वाले रोग निदान का एमसीक्यू तो प्लीज आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथ शेयर करें और इस वीडियो का ये पहला पार्ट है चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन निदान का उत्तम वर्णन किसने किया ए चरक बी सुशोध सी माधव डी भागवत चलिए अब इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चरक अनुसार हेतु लिंग और औषध के संग्रहित रूप को क्या कहते हैं ए त्रिसूत्र बी त्रियतु, सी त्रि डी त्रिदंड चलिए अब इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र परीक्षा का सर्वप्रथम किस में उल्लेखन किया ए योग रत्नाकर बी माधव सी सड़ांग संहिता डी कोई नहीं चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और साथ में इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञा अपराध और परिणाम के संग्रहित रूप को क्या कहते हैं ए त्रि आयतन बी त्रिदंड त्रिमल डी त्रिदोष चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक अनुसार मृत्यु सूचक लक्षण क्या है ए अरिष्ट बी उपद्रव सी कप डी कोई नहीं चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं युग रत्नाकर के अनुसार पैतिक नाड़ी की गति किसके गति समान होती है ए मंडुक बी जलोका सी सर्प डी हंस चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चरक अनुसार द्विविध परीक्षा क्या जानने के लिए की जाती है ए रोग बल बी रोगी बल सी दोनों डी अरिष्ट लक्षण चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्याधि और सुख का अधिष्ठान क्या है ए शरीर बी मन सी आत्मा डी सभी चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से सहज कारण व्याधि कौन सी है ए प्रमेय, बी आर्स सी दोनों डी बगंदर चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते वातज ना ननात्मज रोगों की कितनी संख्या है ए एटी बी 90, सी वन हंड्रेड डी वन ट्वेंटी चलिए अब इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुशुद्ध अनुसार स्वाभाविक रोग कौन सा है ए तृष्णा बी लोभ सी मोह डी क्रोध चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक अनुसार जनपदो ध्वंस के कुल कितने कारण है ए टू बी थ्री सी फोर डी फाइव चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चरक अनुसार हेतु के कितने भेद हैं ए वन बी टू सी थ्री डी फोर चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विषाद कौन सी नानातमज व्याधि में सम्मिलित है ए वातज बी पीताज सी पी कफज डी रक्ताज चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोग परीक्षा को क्या कहते हैं ए निमित बी पंच लक्षण निदान सी नारी परीक्षा डी उपशय और अनुपशय चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चरक अनुसार कुल कितने रोग मार्ग है ए थ्री बी फोर सी टू डी फाइव चलिए इसका आंसर देखते हैं निम्न में से कौन सा अपसर्गित रोग है ए गोल्म बी प्रमेय सी कोष्ट डी कोई नहीं चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुक्र और दोष की संख्या कितनी है ए टू बी फोर सी सिक्स डी एट चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चरक अनुसार शाखा मर्म अस्थि संधि और कोष्ठ के संग्रह को क्या कहते हैं ए त्रिरो मार्ग बी त्रिचिकित्सा मार्ग सी त्रि आरोग्य मार्ग डी कोई नहीं चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से बेग को धारण करना चाहिए ए साहस बी अश्रु सी सर्दी डी श्रम श्वास चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न किस धातु के प्रकोप होने पर रोग आता है ए रस बी रक्त सी मांस डी मेद इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर तो होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जन्म बल प्रवर्त व्याधि क्या है ए बी प्रमे सी कोस्ट, डी चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन से देश में कप की वृद्धि होती है ए जंगल देश बी देश, सी साधारण देश डी कोई नहीं चलिए अब इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर इसका आंसर होगा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीत प्रकृति व्याधि में कोष्ट कौन सा होगा ए मृदु बी मध्यम सी क्रोर डी सम चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु के क्षय होने पर गृह और उधर शुष्क हो जाते हैं ए मेदो बी मास सी राज, डी शुक्र चलिए अब इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा बी